Hey guys, आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली अबाउट रिलेशनशिप्स, लव रीडिंग एंड इवन अगर आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं है, स्टिल आपकी लाइफ में आप यू नो यू आर इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, बहुत सारे रिलेशन होते हैं हमारे लाइफ में, तो कोई भी तरह का कोई इश्यू है इस वक्त रिलेशनशिप में, कोई डिफ़िकल्टीज आ रही है, आपको कन्फ्यूजन है, तो कैसे उसको हैंडल करें, कैसे टैकल करें, राइट नाउ यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए एक क्विक रीडिंग हम यहाँ पे करेंगे आज, ठीक है। तो जो भी आपकी सिचुएशन है, जस्ट फेथ रखिए कि आज की रीडिंग में आपको बिल्कुल एक रेजोनेटिंग आंसर मिलेगा, मैसेज मिलेगा, ठीक है, और बिल्कुल फेथ रखना और इस चीज़ के ऊपर पूरा एक्ट करना, ओके। सो जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद दी करंट एनर्जी, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो एंड बस फोकस करिए आप इन कार्ड्स के ऊपर एंड आस्क योर क्वेश्चन। आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोच सकते हो, जस्ट फोकस, स्टिल जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड गाइस कि ये जनरल रीडिंग होती है, समटाइम्स इट मे नॉट रिलेट टू एवरीवन, सो जस्ट टेक इट एज अ डिवाइन गाइडेंस, ऑलराइट। ओके, मैं सिर्फ और सिर्फ वन कार्ड आज पिक करूंगी, ओनली वन कार्ड एंड वो आपका डिवाइन मैसेज आज का होगा, ओके। तो देखिए मैसेज यहाँ पे मिला है द हार्ट ऑफ द मैटर, देयर इज मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। अब इसका मतलब अगर हम समझे तो बहुत ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो शायद आंखों देखी नहीं है, ठीक है, हम उसको विजुअली देख नहीं रहे लेकिन इट इज़ हैपनिंग। तो एक एनर्जी के फॉर्म में भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि देखिए हम हर वक्त एक एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ठीक है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो एक क्रिएशन प्रोसेस तो चल ही रही है, तो उसको हम विजुअली तो देख नहीं सकते, राइट, लेकिन इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, ओके। तो आपकी रिलेशनशिप में भी जो भी आपकी एनर्जी है, जो आपके पर्सन की एनर्जी है, तो उसके ऊपर से आपकी लाइफ में जो भी मतलब इसमें सिचुएशन है वो डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो बहुत ऐसी भी बातें हैं जो शायद आप समझ नहीं पा रहे हो एंड क्लियरली विजुअली आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन उस चीज़ को ही आपको समझना है, तो उसी चीज़ के ऊपर काम करना है। तो आपके थॉट्स जो कंटिन्यूसली मैनिफेस्ट हो रहे हैं, तो यू जस्ट हैव टू फिल्टर योर थॉट्स। अगर आपको बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स फील हो रही है राइट नाउ, आपको गिल्ट फील हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस या बहुत दुख फील हो रहा है यहाँ पे राइट नाउ, तो आप पहले अपने आप को हील करिए, ठीक है। जो भी सिचुएशन है, इफ़ यू आर इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है खुद की हीलिंग, ठीक है, सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है राइट नाउ एंड उसके साथ साथ सेल्फ लव भी आपको करना होगा, ओके। एंड बाकी अगर हम आउटकम की बात करें कि रिलेशनशिप में आपका आउटकम क्या होगा या आगे आपको क्या करना चाहिए, सो इट्स ऑल अबाउट कि आप अपनी एनर्जी को फिल्टर करें, आप खुश रहने की कोशिश करें, हर चीज़ में हर पर्सन में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढना है, सर्च करना है, ठीक है, एंड आपको मिलेगा ही, ठीक है। कोई भी पर्सन में कुछ ना कुछ खूबियाँ ज़रूर होती है, तो जस्ट फोकस ऑन दैट, ओके। बाकी जस्ट पेशेंस रखिए, खुद के ऊपर काम करते रहिए, आपकी सिचुएशन बिल्कुल इम्प्रूव होगी, लेकिन जस्ट आप एक जो अनदेखी चीज़ें होती हैं ना, जो एनर्जी होती है, जो इमोशंस होते हैं, उसके ऊपर काम करिए, ठीक है। आप प्रैक्टिकली बहुत कुछ एफर्ट कर चुके हो लेकिन अभी आपको हीलिंग के ऊपर ध्यान देना है, ओके। तो बस फिलहाल तो यही था इस रीडिंग में एंड आई होप को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।